पहले तो आज कार्रवाई कराइए। आए दिन एक छीने यार दसवां छीनैती जो आज थाना बरसट्टी के जो है ये स्थान पड़ता है आलमगंज, वहाँ की घटना है। एक्चुअल में घटना 4 तारीख की है, जहाँ पे एक कार मालिक जो है वो अपने ड्राइवर को पकड़ लिया था। ड्राइवर उसका पाल था और किसी बात को लेकर के आपस में इन लोगों का पहले वाद विवाद हुआ, फिर मारपीट हो गई। उसमें कुछ स्थानीय लोग जिसमें त्रिभुवन यादव वगैरह लोग थे जो बचाने आए, तो इनके साथ ही मारपीट की गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों ने इनकी कार में आग लगा दिया था। और तब ये घटना उसमें रफा दफा हो गई थी, जो उन्होंने दी तैयारी उस पर मुकदमा लिख लिया गया था। और कल जो है इन्होंने 2-3 दुकानों में आग लगा दी, जिसको लेकर इन लोगों का रोष था कि नहीं उन्हीं लोगों ने लगाया है। पुलिस का घेराव नहीं किया गया था, गलत बात है। पुलिस इसमें जाँच कर रही कि वास्तव में आग लगाने का चूँकि कारण तो उन्हीं लोगों का मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई शरारती तत्व भी हो जो इस घटना को दूसरा रंग देने का प्रयास किया हो। एक हफ्ते हो गए आज कोई गिरफ्तारी भी थी दोनों पक्षों से हुई? नहीं, जो दूसरा पक्ष भी है वो भी ऐसे ही है। कोई जैसे शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने उस समय तो हालात और परिस्थितियों के चलते मारपिटाई कर ली, फिर वहाँ से भाग लिए थे। नहीं, जो दुकानों में आग लगा दिया था इन लोगों ने, तो उनको ये था कि नहीं दुकान में आग नहीं लोगों ने लगाई है। अब इस बात की जांच की जा रही है, कहीं कोई CCTV कैमरे वगैरह हो जिससे पता चल सके क्या वास्तव में वही लड़के थे जो उस दिन मारपीट में थे या कोई और था।